सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ अहमदाबाद, ये उन दिनों की बात है, इज अ कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी ऑफ नैना एंड अ स्टोइक विटी एंड फियरलेस गर्ल प्लेड बाय आशी सिंह एंड समीर, अ लार्ज हार्टेड फ्लैम्बॉयंट एंड ऑब्स्टिनेट बॉय प्लेड बाय रणदीप राय. In a time untouched by smartphones, it's an exploration of teenage love with all its innocence, inexperience and anxieties. It's been a very great experience till now. मेरी इंस्पिरेशन शशि मैम, उन्होंने जब मुझे ब्रीफ दिया था तभी मुझे कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया था. पहले लड़कियां बोल्ड नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी. दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक, किसी के सामने जाने के लिए भी सोचना पड़ता था. मतलब अगर घर में कोई है तो आपको साइड में खड़े रहना चाहिए, उनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए. और आज हम लोग घर में कोई भी आता है तो हम उनके साथ में ही बैठते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं. या अगर हमारे कोई बड़ा कुछ गलत कहता है, मेरी दादी, इफ़ शी इज़ रॉन्ग, तो मैं उनको बोल देती हूँ, दादी आप गलत कर रहे हो या गलत बोल रहे हो. तब नैना जो है वो नहीं अलाउ है वो सब करने के लिए. अगर मेरी ताई जी कुछ बोलती हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं अपनी गर्दन नीचे करती हूँ और हाँ वो ठीक है. और मैं पढ़ाई में, बाकी घर की चीज़ों में, ये सब मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, नैना ज़्यादा ध्यान देती है. और आशी, आज का जो यूथ है, मैं हूँ, हम लोग फ़ोन में या फिर बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं. हमारा एक सीन था तो क्रॉस करना था, तो मैं हल्का सा टच हो गया था. अच्छा, नो टचिंग, दूर दूर से प्यार. नोटेड म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक हैज कंपोज्ड द म्यूजिक फॉर द टाइटल ट्रैक ऑफ द सीरीज एंड कुमार सानू एंड साधना सरगम, द स्टॉलवर्ट सिंगर्स फ्रॉम द 90s, हैव लेंट देयर मेलोडिक वॉइसेस फॉर द सेम. म्यूजिकली इस शो में तो टाइटल ट्रैक जो गाया है और वो गाते हुए सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था. जैसे अनु जी बहुत ही जबरदस्त, मतलब अनु जी का बहुत दिन बाद, अभी मैं समझता हूँ कि आज 90s का एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है अनु मलिक जो आज भी म्यूजिक कर रहा है. एंड दिस सॉन्ग आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा मेलोडी और वर्डिंग में आप देखिए कितना सिंप्लिसिटी है, जो उन दिनों की बात हम लोगों ने कहा इसमें इन्होंने जो. और ये जो टाइटल है ना, ये उन दिनों की बात है, वो हर एक के लाइफ से रिलेट करता है. ये उन दिनों की बात है, हर कोई एक बार लाइफ में कहता ही है, और यही ये इस टाइटल में है और यही स्टोरी है.